हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, पर मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, मुझे फीवर हो रहा है। तो ये देखिए, मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ। तो मैंने स्टफिंग रेडी कर ली है और आटा मैं गूंद रही हूँ। आटे में मैंने थोड़े से मिर्चा पाउडर और यही नमक वगैरह, अजवाइन वगैरह डाल लिया है और मैं बढ़िया से आटा गूंद लेती हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं कचौड़ियाँ रेडी कर लूँगी भर के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने कचौड़ियाँ भर के रेडी कर ली है और बस अब मुझे तलना है। और मैंने भरते हुए नहीं दिखाया है क्योंकि वो तो मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। और ये देखिए, मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और इस तरह जब मैं कचौड़ियाँ पूरी रेडी करके रख लेती हूँ और बस मुझे तलना रहता है, तो मुझे ज़्यादा आसान काम लगता है। और तुरंत भर के और तलते जाओ तो मुझे बहुत लंबा और फैला हुआ काम लगता है। इसलिए मैं जब भी कचौड़ियाँ पराठे वगैरह बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर ऐसे करती हूँ कि मैं उन्हें रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं झटपट पराठे सेक देती हूँ और कचौड़ियों को तल लेती हूँ। तो यह काम मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, तो मैं बस यही बना रही हूँ, कचौड़ियाँ ही। ये थोड़ा आसान है और जल्दी भी बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, कितनी फूली फूली कचौड़ी बन रही है, कितनी आसान है बनानी। और आप लोग को कैसी लग रही है देखने में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग को आवाज़ से लग ही रहा होगा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरा सर भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। एडिट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, कम से कम मेरे को 1-1.5 घंटा एडिट करने में लग ही जाता है। कभी कुछ रह जाता है तो कभी कुछ रह जाता है। इतना आसान नहीं होता है ब्लॉग को बनाना, एडिट करना। और इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग वॉच ज़रूर किया कीजिए, मेहनत को समझा कीजिए हम लोगों की। और ये देखिए, कचौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं, आपको कैसी लग रही हैं बताइएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैं नीचे वाले रूम में आ गई थी, तो मुझे ये भी बनाना था। क्रोशिया कर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अभी से बनाना शुरू करूँगी तब कहीं जाके दीपावली तक बन पाएगा। किसी किसी दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, किसी किसी दिन काफ़ी बना लेती हूँ। मेरा ये देखिए, इतना बन के रेडी हो गया है और अभी मुझे काफ़ी बनाना है। तो बस यही होता है कि किसी दिन तबीयत ठीक रहती है तो मैं काफ़ी देर तक बनाती रहती हूँ। और इसको बनाने से ही ज़्यादातर मेरे सर में दर्द और हाथों में दर्द होने लग जाती है, तो फिर मैं कभी कभी तो छूती नहीं हूँ उसको। और इधर फिर ये सृष्टि ने एक ये बनाया था, BTS की कढ़ाई करी थी, तो ये पिलो कवर है उसने बनाया है। तो मैं उसको सोच रही थी कि मशीन से सिल देती हूँ, तो मशीन थोड़ी सही चल नहीं रही है, काफ़ी टाइट हो गई है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी मशीन है, सिलाई मशीन है। मेरी शादी में मुझे मिली थी तो तभी की सिलाई मशीन है। इसको एक बार मैं ठीक भी करवा चुकी हूँ तो हुई नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि इसको हाथ से सिल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे सृष्टि को बता रही हूँ कि इस तरह से हाथ से सिल लो, तो मैं उसको वही सिलना सिखा रही हूँ, बखिया वाली कढ़ाई वो जो होती है ना सिलाई, वो वाली करके उसके फिर साइड में ये पूरा ब्लैक कलर से भी कढ़ाई करेगी। तो वही मैं उसको बता रही हूँ कि इस तरह से सिलना है क्योंकि उसको अभी सिलाई ज़्यादा आती है बट इतनी नहीं आती है। तो कढ़ाई इसने खुद ही करी है, ये मैंने इसको सिखा दिया था। और मैं इसको सिलना भी सिखा रही हूँ कि इस तरह से सिल लेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ने पिलो कवर अपना रेडी कर लिया है और किनारे इस तरह से इसने कढ़ाई करी है। आधी मैंने कर दी थी और आधी मैंने इसको बताई है कि इस तरह से कर लो, क्योंकि जब आदत छूट जाती है तो थोड़ा मुश्किल लगता है करने में काम। तो ये देखिए, इसने अपना पिलो इस तरह से ये पूरा रेडी कर लिया है, पिलो कवर बना लिया और पिलो एक छोटा सा रखा था उसमें इसने चढ़ा दिया। और उधर रात का टाइम है फ्रेंड्स, और ये चिंटू है, ये वाल्मीकि जी की फ़ोटो बना रहा है क्योंकि इसको स्कूल में दिखानी है, टीचर ने बोला था बनाने के लिए। तो अभी रात हो गई है, 8:30 बज रहा होगा, और ये वाल्मीकि जी की फ़ोटो बना रहा है क्योंकि इसको कल जमा करना है। और ये देखिए, बन के रेडी हो गई है, जल्दबाजी में उसने बनाया है। आप लोग को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का बस इतना ही सा ब्लॉग था, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अच्छी सी रेसिपी के साथ और अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।